हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शीतल अन्नपूर्णा किचन। आज हम दो अलग तरीके के चिवड़े बनाते हैं। आइए अब हम रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैंने ये पोहा लिया है, ये जो पतला पोहा आता है वो है चिवड़े का पोहा। इसको मैंने छान लिया है तो पाउडर जो भी होगा निकल जाएगा। अब इसे हम सेक लेंगे। अभी यहाँ पे हम बिल्कुल थोड़ा सा पिंच नमक डालते हैं। अच्छी तरह से हम 3-4 मिनट तक इसे सेक लेते हैं। आप देख पा रहे हैं, ये देखिए हमने जो पोहा लिया था उसकी साइज वैसी की वैसी है, बिल्कुल भी ऐसे छोटे नहीं हुए पोहे, देखो। और ये अच्छी तरह से सीख चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे मैंने ये 2 चम्मच तेल लिया। अभी इसमें हम मूंगफली डालेंगे। अभी ये मूंगफली का आवाज आ रहा है आपको। अभी इसमें हम ये सूखा नारियल डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स में मैंने ये बादाम ली है। हरी मिर्च है। और ये करी लीव्स है। यहाँ पे ये रोस्टेड चना दाल डालेंगे। ये सूखी लाल मिर्च। अब यहाँ पे ये काजू और द्राक्ष है। इस तरह से सीख चुके हैं। अब इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे। और ये जो हमने पोहा रेडी करके रखा था वो इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। स्वाद अनुसार यहाँ पे मैं चीनी को पीस लिया है, इसका पाउडर बना लिया है मैंने। और स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर। और इसे मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हम 1 चम्मच चाट मसाला डाल देंगे। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं हो तो आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसे मिक्स कर लेंगे और ये चिवड़ा रेडी है। हमने बहुत ही कम ऑयल में ये चिवड़ा बनाया है। अब ये रेडी है। आइए अब हम दूसरा चिवड़ा बना लेते हैं। आइए अब हम ओट्स का चिवड़ा बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये रोल ओट्स लिया है, ये 2 कटोरी मैं ले रही हूँ। इसे हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे अच्छी तरह से। अब यहाँ पे मैंने 3 चम्मच मेलन सीड्स ली है, इसे भी हम रोस्ट कर लेंगे। ये 3 चम्मच पम्पकिन सीड्स हैं, ये सनफ्लावर सीड्स और ये फ्लैक्स सीड्स, इसके साथ हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। अभी आपको ये आवाज़ आ रही होगी तो ये अच्छी तरह से सीख चुका है। अब हम गैस बंद कर लेते हैं।
यहाँ पे हमने दो कटोरी ओट्स लिया था, तो मैंने यहाँ पे दो कटोरी पोहा लिया है। ये सेम पोहा है जो चिवड़ा में यूज होता है। अब इसे भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अब ये पोहा रेडी है, हम इसे ठंडा कर लेते हैं। अभी मैंने यहाँ पे 2 चम्मच तेल ले लिया है, इसे थोड़ा सा हम गर्म होने देंगे। अब यहाँ पे मैं मूंगफली डाल रही हूँ। सूखा नारियल मैं डाल रही हूँ। अब यहाँ पे मैं करी लीव्स डाल रही हूँ। हरी मिर्च है, अब यहाँ पे मैं ये बादाम डाल रही हूँ, काजू है और ये रोस्टेड चना दाल है। अब ये रेडी है। अब इसके अंदर हमने जो ये ओट्स सेक के रखे थे वो इसमें डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक, पीसी हुई चीनी स्वाद अनुसार, चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। सूखी मिर्ची, अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। थोड़ी हल्दी पाउडर, और यहाँ पे मेरे पास ये ड्राई क्रैनबेरी है तो ये डाल देंगे, इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। देखिए अब ये रेडी हो चुका है। आइए अब हम सर्व कर लेते हैं।